तो दोस्तों, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफी बिजी चल रहे हैं। इस समय उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर वे काम कर रहे हैं। शाहरुख खान आने वाले 2023 में अपनी एक नहीं बल्कि 3 फिल्मों को साथ धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं। फिर शाहरुख खान काफी समय से पर्दे पर नजर नहीं आए, तो फैंस भी उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए काफी बेताब है। फाइनली उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान का टीजर आ चुका है। शाहरुख के इस दिवाली गिफ्ट से फैंस काफी खुश हैं। उनकी एक्साइटमेंट फिल्म को लेकर और भी ज्यादा बढ़ गई है। उनकी फिल्मों से फैंस के बीच सबसे ज्यादा बज बना हुआ है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि ये टीजर उनका जन्मदिन यानी कि 2 नवम्बर को होने वाला है, लेकिन लगता है शाहरुख ने फैंस को दिवाली का ट्रीट दिया है। शाहरुख खान ये फिल्म 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। शाहरुख इस फिल्म से तकरीबन 3 साल बाद पर्दे पर कमबैक करने वाले हैं। शाहरुख ने 2 नवंबर बर्थडे के ट्रीट की बजाय फैंस को दिवाली ट्रीट दी है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी पठान में शाहरुख के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। ये पहली बार नहीं होगा कि शाहरुख और दीपिका साथ नजर आए। इससे पहले वो ओम शांति ओम और चेन्नई एक्सप्रेस में नजर आ चुके हैं। यशराज बैनर्स की फिल्म पठान के अलावा शाहरुख खान जल्द ही जवान और डंकी में भी नजर आएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले टाइम में शाहरुख की ये मूवी कितने रिकॉर्ड्स बनाती है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।